दर्शक हूँ आपका हार्दिक पांड्या। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम कौन जीतेगा आईपीएल इस बार में। सर आपकी नज़र में कौन प्रबल दावेदार है इस बार? देखिए वैसे जितनी भी टीम्स हैं सब आईपीएल जीतने की हकदार हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज, हमारे एक्सपर्ट ने अभी अभी कहा कि इस बार आईपीएल कोई भी टीम जीत सकती है। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। तो सर आपके अनुमान से कौन टॉस जीतेगा, सीएसके या आरसीबी? देखिए टॉस तो इनमें से कोई एक ही जीतेगा। क्या यार टिंडे, अभी तो मैच शुरू होने में एक घंटा बाकी है, क्या कॉमेडी शो लगा कर बैठा है? आंखें खोल और देख, ये कॉमेडी शो नहीं बल्कि न्यूज चैनल है। हाँ अब तो एक ही बात है, जिस इंसान ने पूरे कैरियर में एक या दो शतक लगाया होगा वो अब धोनी और कोहली को जज करते फिरते हैं। अरे यार मुझे तो आईपीएल की एक एक डिटेल चाहिए, कॉज आई एम बिग फैन ऑफ आईपीएल, स्पेशली सीएसके। और मेरी आरसीबी, पर धोनी फेवरेट प्लेयर है। डिटेल छोड़ और मेरे साथ बाहर चल, देख कर आते हैं कि बाहर का क्या माहौल है। रुक टू लेट, टीवी तो बंद कर दूं। ये है भग्गू पनवाड़ी, जो खिलाता है पान बिना उधारी। अच्छा है का यार भग्गू, ई का फटे जूते जैसा मुंह बनाकर बैठे हो? अरे छगन भैया का बताएं, ई आईपीएल ने तो शुरू में ही मुझे चूना लगा दिया। का हुआ, पान की गुमटी दांव पे लगा दिए या खुद को? अरे भैया शुभ शुभ बोलो, बस 2000 रुपये हारा हूँ जो मुंबई पे लगाया था। और मत खिलाओ उधारी का पान, किसी लीचड़ इंसान ने बदुआ दी होगी। ऐसा है अब अपना जूता, मेरा मतलब मुंह सही करो और एक मस्त मीठा पान लगाओ। जब दो पनेड़ी बतिया रहे हों और तीसरा आके भसड़ ना मचाए, ऐसा हो नहीं सकता। भग्गू एक पान तो लगाना। और मास्टर यहाँ कैसे? बस चिकन टिक्का खाने का मन था तो यहाँ चला आया। अच्छा तो आप भी पान खाते हैं? नहीं मैं तो एलियन हूँ। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ। पनवाड़ी खिलाओ इनको भी एक पान गुलकंद मार के, कम से कम इनका मुहुआ तो बंद रहेगा। हाँ नहीं तो पान खाए भैया हमारो, दीवार पे थूके पीक लाल लाल। अच्छा है। अच्छा छगन भैया ये बताओ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? मेरी तो मुंबई इंडियंस, देखना वही जीतेगी। देख भग्गू ये आईपीएल मुझे समझ नहीं आता, पर मेरी सबसे पसंदीदा टीम है चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि उसमें है अपना फेवरेट एमएस धोनी और फिर से वही जीतेगा। पर भैया आपको आईपीएल क्यों समझ नहीं आता? वाई वाई देखो यार, जब इतने सारे विदेशी खिलाड़ी खेलते हैं तो इसे आईपीएल क्यों कहते हैं? केपीएल कहना चाहिए। खिचड़ी प्रीमियर लीग गदे है, एक साल एक खिलाड़ी दिल्ली के लिए खेल रहा है, वहीं अगले साल राजस्थान के लिए खेलता दिखता है, और जो हैदराबाद के लिए खेल रहा है वहीं अगले साल बेंगलुरु से खेलने लगता है। भाई कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ नहीं तो हाँ, होते हैं कुछ लोग जिन्हें मैच या क्रिकेटर में नहीं बल्कि चीयर लीडर्स में इंटरेस्ट होता है। हाँ चीयर लीडर से याद आया, मुझे ये समझ नहीं आता इन चीयर लीडर्स का इस जेंटलमैन गेम में क्या फायदा? छक्का चौका लगे तब नाचेंगी, प्लेयर शून्य पे आउट हो जाए तब भी नाचेंगी, मतलब कि नाचने का बस बहाना चाहिए, सब पैसे की बर्बादी है। एक और बात खोपड़िया में नहीं घुसती कि ये सारे प्लेयर्स क्या गजनी की तरह हर तरफ स्पॉन्सर्स के नाम चिपकाए फिरते हैं। उफ, क्या समझ है। अच्छा तो आपको समझ में आता है ई आईपीएल? हाँ हाँ क्यों नहीं,
तो जरा बताइए कि ये जो फेयर प्ले अवार्ड होता है उसका पॉइंट किस आधार पर मिलता है? वो मैं अरे भैया ये सब छोड़ो, कल मंगलू भैया की महरारू ने उनका बाल क्रिस गेट की तरह कटवा दिया, अब तो गली के सारे बच्चे उनकी सेल्फी ले लेकर परेशान कर दे रहे हैं। वो उसी लायक है। वैसे मास्टर आप भी कौनो हेयर स्टाइल कटवा लियो। रहने दीजिए। और छग्गन अंकिल। हेलो सर, क्या चल रहा है? कुछो ना ही बचवा, यूं ही समय बर्बाद कर रहे थे। समय तो आप बर्बाद कर रहे थे फालतू के आईपीएल डिस्कशंस करके। अरे वाह आईपीएल। क्या मास्टर, एक तो सवाल का पूछा आपसे तो आपकी चुंडी ही खड़ी हो गई। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा छग्गन अंकिल, एक बात पूछें? हाँ पूछ पूछ। Ready. अंकिल, एक बात समझ नहीं आती कि हर स्टेट की अपनी टीम होती है, तो फिर अपनी यूपी की कोई टीम क्यों नहीं? अरे बचवा, अगर हम यूपी वाले आईपीएल खेलेंगे तो फिर सट्टा कौन लगाएगा? चुप कर गधे, और आप ये बच्चों को क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं? सट्टा हैं? वैसे कल मुझसे स्कूल का प्यून मिला था, कह रहा था आपने मुंबई पर 1000 रुपये लगाए। अरे मैं तो प्यून महेश से मजाक कर रहा था। सच्ची? वैसे अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, थोड़ा मजाक यहाँ भी कर लेते तो हमारे चैनल पे व्यूज और सब्सक्राइबर भर भर के आते। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे मास्टर अब तो तू पक्का गया। अरे वाह भीकू, चल मैच शुरू होने ही वाला है। ये आईपीएल आईपीएल। चलो बचवा, मैं भी तुम लोगों का साथ देखूंगा। अरे यार ये तो बड़बड़ करते रहेंगे। टिंडा फिकर नॉट, मेरे पास इनका सॉल्यूशन है। अच्छा मास्टर, अगर मेरे सवाल का जवाब मिले तो व्हाट्सएप कर देना। छग्गन भैया मैं भी शटर गिरा के आता हूँ। तू क्या तब से क्रिस गेल की तरह दाचिया रहा, अभी तेरा शटर गिराता हूँ, इधर आ। शटर तो गिरने वाला था लेकिन दुकान का नहीं, इसके जबड़ों का। अब ये खाएगा क्या और थूकेगा क्या? स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद मैच अब आखिरी पड़ाव पर, 9 विकेट गिर चुके हैं सीएसके के। देखना है एमएस धोनी क्या कमाल करते हैं इस बार। एक और गगनचुंबी छक्का धोनी द्वारा, और गुरु छा गया बंदा, ठोकर ताली। महेंद्र बाहुबली द्वारा एक और बेहतरीन प्रदर्शन, लगता है जनाब आज नाश्ते में कॉम्प्लेक्स की जगह बहुत सारा लक खा के आए थे। आपकी बाजी को पलटना कोई इनसे सीखे।